वो सेगमेंट है अब जब जिसमें हम एक मुल्क सेलेक्ट करते हैं और करते उसकी हैं। उसकी सैर करते वर्चुअल टूर उसकी स्पेशलिटी हम जानते हैं। ये ओमान है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 5 मिलियन है, यानी आपका रावलपिंडी, आपका इस्लामाबाद इतना सही मुल्क है, इतनी सी इसकी आबादी है। लेकिन इस मुल्क की जो खासियत है आज हम उसकी बात करेंगे। वैसे तो इसकी एक डिश भी है जी शुआ, लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम डिश से क्योंकि अभी भी सेगमेंट हम किया ये करते हैं सेगमेंट्स हम डिशेस से। लेकिन नाज़रीन हमें बता सकते हैं कि शुआ डिश जो है वो क्या होती है, किस तरह से बनती है, इसकी क्या रेसिपी होती है, रिसर्च करें और अगर आपने कभी ट्राई किया तो आपको कैसे एक्सपीरियंस रहा, अगर आपके पास पिक्चर्स हैं वो भी हमें साथ साथ शेयर करना शुरू कर दें। चलें, हमारे मेहमान इन्होंने रिसर्च और खुरमिलाई के साथ मौजूद है। आज हमने जिक्र कर लिया जी ओमान का, कुछ विजुअल्स दिखा भी दिए, इतने कैची विजुअल्स थे। अब आपकी गुफ्तगू से हम पहुँचेंगे वहाँ पर। सबसे पहले तो हम एक हैरत अंगेज़ बात शामिल कर लें कि हमारा गवादर जो है, जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, वो तकरीबन 1958 तक मलकियत था ओमान का, और ये ओमान की मलकियत बना था। 1797 से ऑनवर्ड ये ओमान की मलकियत रहा था, और उस ज़माने के हमारे जो वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान फिरोज़ खान नून साहब थे, उन्होंने फिर ओमान के सुल्तान से इसको ख़रीदा, एक कीमत अदा करके इसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। और दुनिया की आज दूसरी बड़ी डीप सी पोर्ट गवादर जो है वो कभी ओमान का हिस्सा थी। और खूबसूरती में कोई इसका वो नहीं, सानी है। नहीं, सानी नहीं है। अहम बात यह कि ये कोई बहुत स्ट्रेंज बात नहीं है। अलास्का भी रशिया का हिस्सा था, उसको अमेरिका ने रशिया से ख़रीदा था। ऐसे ही हमने गवादर जो है ओमान से हासिल किया। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें तो जो सबसे स्ट्रेंज बात है कि दुनिया की लंबी तरीन कब्र जो है वो हमारे नबी इमरान अलैहि सलाम की जो है वो भी ओमान में शामिल है, और 12 मीटर लंबी कब्र जो है वो वहाँ पर है। 12 मीटर लंबी? जी बिल्कुल। और कहा जाता है वो 12 मीटर लंबी जो है उसके ऊपर कई बातें हैं। कहा जाता है कि उस ज़माने के लोग बहुत लंबे थे, तो जो नबी इमरान अलैहि सलाम है वो भी बहुत लंबे होंगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो बारीक बहुत है, तो अगर कोई आदमी लंबा हो तो उसको चौड़ा भी होना चाहिए। फिर जो हज़रत सालेह अलैहि सलाम जो उनसे पहले के हैं उनकी कब्र जो है वो इतनी लंबी नहीं है, तो कुछ का मानना है कि पूरे टूम का, पूरे मकबरे का नाप लिया गया है ताकि ये देख लिया जाए कि जो नबी हैं वो यहीं कहीं हैं, तो पूरी को कब्र बना दी गई। अच्छा। एक का ये कहना है कि उनके पूरे खानदान के लोग यहाँ दफन हैं लाइन से। ये बहुत हैरानकुन बात है कि दुनिया की लंबी तरीन कब्रों में शुमार जो है वो ओमान में होता है। सही। और तीसरी जो हैरानकुन बात है ओमान की वो ये है कि इस यहाँ पर बहुत ज्यादा खामोशी होती है। वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी की खूबसूरत बात, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, रेस्ट ऑल अ पुअर इंटरप्रिटेशन, खामोशी खुदा की जुबान है, कायनात की तमाम। ये बंदे वहाँ कम है इसलिए आबादी कम होने की वजह से क्या? नहीं, वैसे लोग कहा जाता है कि वहाँ के कानून, और एक कानून के अलावा एक अखलाक भी होता है कि उस तहजीब में शामिल है कि वहाँ पर खामोशी बहुत ज्यादा होती है। ओमान से चंद बंदे अगर लाहौर आ जाएंगे तो क्या बनेगा? बिल्कुल। या कराची आएंगे तो क्या बनेगा? बस वो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। भी आ जाएंगे तो क्या बनेगा? हमारे तो अमूमन लोग दो स्ट्रीट्स दूर अगर मोबाइल पे बात करें, हम कहते हैं आमने सामने हो जाए तब भी आवाज जा रही है, डायरेक्ट आवाज जा रही है, तो ये बहुत हैरानकुन बात है। दूसरा, अगर आपने जैसे आबादी का बता दी, आबादी देखी जाए तो बहुत कम है, लेकिन इस आबादी के साथ भी इतनी बड़ी मईशत उनके पास इसलिए है कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल तकरीबन उनके पास है, बड़े तरीन ऑयल एक्सपोर्टर्स में शामिल हैं, और जो शिप्स हैं, जो कश्तियाँ हैं, दुनिया की बेहतरीन कश्तियाँ बनाने वाले भी ओमान के लोग ही समझे जाते हैं। अगर आपने बेहतरीन कश्ती खरीदनी हो और आप अपनी ज़िंदगी में यू नो आफ्टर हैविंग अ गुड कार आप एक अच्छी कश्ती खरीदना चाहते हैं, तो आप अगर तो आपको जैसे मेड इन ओमान की तरफ जाना पड़ेगा एक बेहतरीन कश्ती खरीदने के लिए। और वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत, खानदगी बहुत ज़्यादा है, 91% लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और उनकी पूरी आबादी। लेकिन फिर हमें ये बात सामने रखनी चाहिए कि 50 लाख में ये टारगेट अचीव करना आसान है। पाकिस्तान में वो लोग जो खानदान नहीं है वो तकरीबन 90 लाख से ज़ायद हैं, और इससे भी ज़्यादा जाते रहें तो अगर हम 9 करोड़ तक भी जाएं, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं खानगी के लिए, बच्चों को शामिल करना है, बड़ों को शामिल करना है, सिर्फ प्रोफेशनल्स को शामिल करना है, तो ये नंबर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। उनकी आबादी से तो कम्फर्टेबली ज़्यादा है जो सिर्फ ना खानदा है। लेकिन अगर हम उसमें अच्छी बात पाकिस्तान के हवाले से देखें तो वो ये है कि हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर दूसरी उनकी जो अच्छी बात यह है कि वहाँ पे क्राइम रेट हैरान कुन हद तक कम है। तो अच्छा। वही वजह है ना, इतने का सब, इतने कम लोग हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। या शायद उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं सबकी। ये बहुत अच्छी, शोएब ने बात की, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है। देखें, चोरी, डकैती, ये सब पैदा होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इतनी खूबसूरत बात है कि गुरबत अगर मुझे इंसानी शक्ल में मिले तो मैं इसे मार दूँ, तो गुरबत इंसान को बहुत ही हैरानकुन काम उससे करवा लेती है जिसका उसको यकीन भी नहीं होता।
तो हमारे यहाँ शायद वो जो एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है उससे बहुत ज़्यादा तजबजब है, डकैतियाँ वगैरह। लेकिन अगेन ये कुछ वजूहत ज़रूर हो सकती है, लेकिन स्टिल क्राइम इज़ नॉट द सोल्यूशन, और इसका कोई भी वो नहीं है कि इसकी कोई दलील नहीं, इसकी कोई भी दलील नहीं। लेकिन अम्मान के अगर आप जाकर उनसे पूछें कि आपके मुल्क में इतने अच्छे किस तरह लॉज हैं, आप उसको कैसे फॉलो करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो शरई कवानीन हैं उसकी सख्ती की वजह से कुछ ऐसी सजाएं हैं जिसके खौफ की वजह से लोग कभी भी चोरी डकैती इस तरह की चीज़ों की तरफ जो सोसाइटी की ज़ाहरी तौर पे बुराइयां होती सख्त सजाएं जैसे सख्त सजाएं हैं उसकी वजह से वहाँ पर नहीं आते। इसके अलावा जिन लोगों को परिंदे देखने का शौक़ है, अम्मान उनके लिए एक जन्नत है। तीन तरह के परिंदे आते हैं अम्मान में, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, और बहुत बड़ी एक हॉबी है। यूरोप के परिंदे ओमान क्यों जाते हैं? वेदर चेंजेस के लिए। ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स। जी, जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, तो बहुत मशहूर जो अफसाना निगार नाबोकोव, उनके बारे में भी हम नहीं जानते, उनको भी ये तितलियां बहुत पसंद थी, तो वो एक अफसाना निगार है जिनकी थ्योरी मशहूर होती कि तितलियां हिजरत क्यों करती हैं, ये मौसमी तब्दीलियों की वजह से जैसे। okay. तो आपको पता है कि जो परिंदे हैं ये मौसम की तब्दीली की वजह से उस इलाकों में जाते हैं, तो अम्मान जो है, इसके अलावा भी अम्मान बहुत अच्छा जो एक काम करता है कि अम्मान के घोड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बहुत ही अच्छी नस्ल के होते हैं, और जो हरे रंग के कछुए हैं जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशी हैं पूरी दुनिया में, इस वक्त अम्मान जो है उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, और उसने अपने ही एक इलाके में जगह मुख्तस कर रखी है जहाँ हरे कछुओं को बचाने की तैयारी चल रही है। टर्टल्स ओनली, टर्टल्स ओनली, हाँ, मछलियों की भी है, मछलियों, हाँ, तो वो एक बहुत हैरानकुन बात है, यानी कि अगर हम देखें जानवर परिंदों के हिसाब से तो बहुत ही नेचर फ्रेंडली लोग कह लेते हैं, बिल्कुल नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है उनका, इकोसिस्टम को जिस तरह चल रहा है ओमान, दैट्स ब्यूटीफुल। उसके अलावा एक हैरानकुन बात यह है कि वहां पर एक बहुत ही एक आइलैंड है जहाँ पर कोई भी चला जाए तो वो पागल हो जाता है। वो आइलैंड इस्तेमाल हुआ था बरतानिया और बरे सगीर के दरमियान जब वर्ल्ड वॉर्स लगी हुई थी, तो पैगाम भेजने के लिए, उसको टेलीग्राम आइलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और वो सिर्फ एक फुटबॉल फील्ड जितना जो है बड़ा है, यानी कि जितना एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है वो उतना ही बड़ा है। तो वहाँ पर जब सिपाहियों को भेजा जाता था और सिपाही जब वहाँ जाते थे तो तकरीबन 30 से 35 दिनों बाद से ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाते थे, खामोशी, तन्हाई। अच्छा, और वहाँ पे हमें नीचे का वो कॉल याद रखना चाहिए कि तन्हा रहने के लिए आपका वैशी होना ज़रूरी है। तो वो सार्तर की बात कि भाई इंसान लोगों में ही पहचाना जाता है, लोगों में ही रहता है, बल्कि तन्हाई के लिए होना बहुत ज़रूरी है, वो इंसान को मैसर नहीं है। तो अगर इंसान के लिए खुद भी अपना अपना काफ़ी हो जाता है ना अक्सर, तो जब क्योंकि हम इस वक्त इतने ज़्यादा सोशल बींग्स बन चुके हैं ना, हमारा सब कुछ तो हमसे बाहर है, तो अगर हमें तन्हा रहना पड़े तो हम तो खुद रह ही नहीं सकते, हम अपने आप के लिए भी शायद बुरे हो जाएं। तो ये एक बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात है कि वो हद से ज़्यादा तन्हाई की वजह से वहाँ जितने सिपाही थे वो पागल हो जाते थे। अच्छा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग और हमारे पास आज अहम फैक्ट्स थे अम्मान के हवाले से। आपस में एक दूसरे से भी ज़्यादा बात करने का कल्चर नहीं है? बिल्कुल भी। अच्छा, वहाँ पे जगह ही इतनी थी कि सिर्फ एक ही वहाँ पर जा सकता था सिपाही, जो वहाँ पर जाके पैगाम रसानी करता था बरतानिया के लिए। नहीं, अभी की बात करें। नहीं, अभी तो जाहिरी बात है, देखिए कुछ चीज़ें हैं उन ममालिक में जब आप जाते हैं, जब आप ऑल द वे फ्रॉम यूएई टू ओमान या बाकी ममालिक तरफ जाते हैं, तो इतनी डाइवर्स लोग हैं वहाँ पर, जैसे वर्क फोर्स ज़्यादातर पाकिस्तान, बांग्लादेश से गई हैं, एक और हमसाए मुल्क से गई हुई हैं, तो उसमें अब जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा बैरियर है। okay. तो एक वो आपको हमेशा मिलता है कि आपको वो लोग ही नहीं मिल पाते जिनसे आप बात कर सकते हो, खुसूसन अरब वालों में है कि वो अपनी जुबान से बहुत जुड़े हुए हैं, वो अगर आप अरबी बोलेंगे तो बात करेंगे, वरना करेंगे तो वो अंग्रेजी को इतना अहम मीडियम नहीं समझते, तो यूरोप में वो कमी दूर हो जाती है। और ये बड़ा मसला है, तो देखिए अपनी जबानों को बचाया भी तो इसी तरह जाता है। ये जबान बचाना अपनी जगह, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है जबानें सीखी जाए। थैंक यू सो मच खुर्रम भाई, साथ मौजूद थे, एंड वी विल टॉक अबाउट ओमान, जो कि बहुत खूबसूरत, लोग बड़े प्यारे, और जितना खूबसूरत कल्चर वहाँ का हम शेयर कर रहे थे। अब बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, स्टे विद अस।